ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पंचायत बोटा की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से मिला और बोटा में पुलिस थाना खोलने की मांग की गई। एसपी अर्जित सेन ने बताया कि बोटा में काफी वर्षों से पुलिस सहायता कक्ष चल रहा है, वह पुलिस चौकी में तब्दील नहीं हो पाया। वहीं बोटा में पुलिस चौकी खोलने के संदर्भ में कई बार प्रस्ताव भी भेजा गया, वह भी किसी कारण कैंसिल हो गया। नगर पंचायत भोटा की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से मिला और भोटा में पुलिस थाना खोलने की मांग की गई। एसपी अजीत सेन ने बताया कि भोटा में काफी वर्षों से पुलिस सहायता कक्ष चल रहा है, वे पुलिस चौकी में तब्दील नहीं हो पाया है। वहीं भोटा में पुलिस चौकी खोलने के संदर्भ में कई बार प्रस्ताव भी भेजा गया, वे किसी कारणवश कैंसिल हो गया। वहीं नगर पंचायत भोटा की तरफ से भी किराए से संबंधित एक पत्र भी मिला है, जहां पर पुलिस सहायता कक्ष चल रहा है वह नगर पंचायत का है और इसके बारे में भी किराया लेने के बारे में चर्चा की गई थी। वहीं भोटा पुलिस चौकी न होने से हम स्टाफ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और न ही गाड़ी की सुविधा दे पा रहे हैं, इसी कारण भोटा पुलिस कक्ष को बंद करना पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक अजित सेन ने बताया कि भोटा की तरफ से एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भोटा शहरी इकाई के विनोद कतना, नगर पंचायत पार्षद अश्विनी, पार्षद चंद्रशेखर मुझसे मिले, भोटा में पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव रखा और बताया कि भोटा में लोगों की सहूलियत के लिए पुलिस थाना खोलना कितना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भोटा पुलिस सहायता के समक्ष 2 नेशनल हाईवे व 12 पंचायतें आती हैं और हादसे भी काफी ज्यादा होते हैं और इन पंचायतों के लगभग 36,000 लोग हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा कि भोटा में पुलिस थाना ये चौकी बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भी भेजा जाएगा। पुलिस सहायता कक्ष जो भोटा में पिछले कई वर्षों से चल रहा था, वहाँ पे एक हमारा प्रस्ताव गया था जिसमें हमने पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव दिया था, वो किसी कारणवश कैंसिल मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा एक नगर परिषद की नगर पंचायत की ओर से हमको किराए से संबंधित भी एक पत्र मिला था जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस सहायता कक्ष जिस जगह से चल रहा है वो क्योंकि नगर पंचायत की है तो वहाँ पे किराए के बारे में देने के बारे में भी एक चर्चा की गई थी, तो ये मामला भी हमने ऊपर लिया था थ्रू प्रॉपर चैनल, बट उसका भी कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो क्योंकि यहाँ पे जन सुविधा के लिए हमने पुलिस सहायता कक्ष तो खोल रखा है पर उसका ना एक प्रॉपर रूम या अकोमोडेशन अवेलेबल है और ना ही हम वहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रॉपर पुलिस कर्मचारियों की कर पा रहे हैं, इस कारणवश ये इसको बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि वहाँ पे जैसे आज श्री चंद्रशेखर, अश्विनी धीमान जी और विनोद कतना जी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भोटा एरिया से, उनकी तरफ से एक ज्ञापन भी मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक पुलिस थाना प्रस्तावित किया जाना चाहिए और इन्होंने कहा कि पब्लिक की भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है कि वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ पे कम से कम 12 पंचायतें और 36,000 लोगों के लिए ये सहूलियत होगी अगर एक वहाँ पे पुलिस थाना या कम से कम पुलिस चौकी खुल जाए, तो हम ये विस्तृत प्रस्ताव जो है सरकार को दोबारा से भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा।